गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने खास प्रोग्राम में जिसका नाम है वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट्स। साथियों, इस कार्यक्रम में मैं आपको हमेशा कोई नया टॉपिक बताता हूं, ऐसे नए टॉपिक के बारे में बात करता हूं जिसके ऊपर कभी किसी ने कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है। वास्तु शास्त्र में जब हम बात करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि रूटीन से हटके होती हैं। मैं आज आपको बताऊंगा एक नए टॉपिक के बारे में जो है वास्तु फॉर ब्यूटी पार्लर्स। साथियों, ब्यूटी पार्लर एक ऐसी जगह है जहां पर कि जाकर आपकी पर्सनालिटी संवरती है। वहां पर आपके बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और भी ऐसी चीजों के लिए जिससे कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो है लुक, ये सब कुछ बहुत ज्यादा निखर के सामने आए, इसके बारे में जहां पर काम किया जाता है उसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर। आप सबको पता है ब्यूटी पार्लर में जब भी आप जाते हैं तो वहां पर आपको कोई ना कोई वाइब्रेशंस, कोई ना कोई एनर्जी वहां पर आपको फील होती है। कभी एनर्जी पॉजिटिव होती है, कहीं पर एनर्जी नेगेटिव होती है, कहीं पर सफोकेटेड होती है। साथियों, ऐसा क्यों होता है कि एनर्जी बदलती क्यों है? जगह तो वही है, काम भी वही है, लोग भी वही होते हैं, लेकिन कहीं पर पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, कहीं पर नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, इनमें डिफरेंस क्यों आ जाता है? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर कहां लोकेट करता है, यानी उसकी दिशा क्या है, ब्यूटी पार्लर का फेसिंग कहां पर है, कौन सी फेसिंग है जिधर वो फेस करता है, नंबर वन। नंबर टू, उस ब्यूटी पार्लर में जब अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर जो उसके जो ओनर हैं, जो मालिक है वहां पे, जो या जो सीनियर मैनेजर हैं जो उसको मैनेज करते हैं पूरे उसको, वो कहां पर बैठते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तीसरा, सीट कहां पर है, मिरर्स कहां पर है, काउंटर कहां पर है, ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं। जो चीजें सेल करनी है वो कहां पर है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो कहां रखे हुए हैं जिनको सेल करना है, और रूटीन में रोजमर्रा में जो काम आने वाली जितनी चीजें हैं उन सब चीजों को कहां प्लेस किया है, उनकी दिशा कहां पर है, वहां पे अंदर ब्यूटी पार्लर में कलर कौन सा किया हुआ है, और एसेसरीज कहां पर रखी हुई है, एसेसरीज के अलावा जैसे और जितने भी वहां पर जो है इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है वो यूज करते हैं, वो कहां रखे हुए हैं, ये सब जो है चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं किसी भी ब्यूटी पार्लर में वास्तु के अकॉर्डिंग। जब भी कोई वास्तु के लिए हमें ब्यूटी पार्लर के लिए बुलाता है तो हम जाके वहां पर सबसे पहले चेक करते हैं एनर्जी वाइब्रेशंस। एनर्जी वाइब्रेशंस के बारे में अभी इंडिया में शायद वास्तु वालों को भी ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि जिस जगह के अंदर जो है, जिस जगह के अर्थ में से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, जहां पर आसपास सफोकेटेड एनर्जी होती है, जहां अर्थ के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस होते हैं, जहां पर के कोई ऐसी अच्छी एनर्जी, अच्छे वाइब्स नहीं आते, अच्छे वाइब्रेशंस दिखाई नहीं पड़ते, फील नहीं होते, वो सब जगह जो है वो अच्छी नहीं होती वास्तु के हिसाब से। तो जब भी आपने अपना कभी ब्यूटी पार्लर बनाना हो तो उसमें ध्यान रखें, नंबर एक, जो उसका फेसिंग है, फेसिंग हमेशा आपके ब्यूटी पार्लर की या तो नॉर्थ होने चाहिए या ईस्ट होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यदि नहीं हो पाता कोई बात नहीं, वेस्ट फेसिंग भी कर सकते हैं आप अपने ब्यूटी पार्लर को। अवॉइड करें कि साउथ फेसिंग ना हो, पर फिर भी अगर साउथ फेसिंग हो जाता तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, साउथ फेसिंग भी चलते हैं। फिर उसके बाद में आप जो है, आपकी जो है अपनी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नैऋत्य कोण में आपको हमेशा बैठना चाहिए उस ब्यूटी पार्लर में, आपकी सीट हमेशा नैऋत्य कोण में होनी चाहिए, और ईशान कोण में उसका होना चाहिए पूजा स्थान, जहां पर कि मतलब सुबह सुबह जाकर आप लोग पूजा करते हैं काम शुरू करने से पहले, एवरी मॉर्निंग, इवनिंग में भी करते हैं, बहुत बार संध्या करते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें कि आपका जो ईशान कोण है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, पूर्वोत्तर कहते हैं, वहां पर आपका पूजा स्थान होना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में जो कलर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, कलर्स कभी भी वहां पर डल नहीं होने चाहिए, वहां पर बहुत ब्राइट कलर्स होने चाहिए, लेकिन इतने ब्राइट भी ना हो जाएं कि जो आंखों में चुभना शुरू हो जाए।
ऐसी चीजों के लिए बहुत बार तो जो उसका मालिक है, जो ब्यूटी पार्लर का मालिक है, ओनर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को भी कंसिडर करते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके पर्सनल ऑरा के हिसाब से, उसके अपनी जो उसकी जो पर्सनल एनर्जी है उसके हिसाब से मैचिंग करते हैं उस एनर्जी की, जो कि एनर्जी उसकी ब्यूटी पार्लर में आनी है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो मिरर्स हैं, मिरर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। हमेशा उसके जो मिरर्स हैं वो नॉर्थ में होने चाहिए या ईस्ट में होने चाहिए, ज्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो पैरेलल वाइब्रेशंस हैं उनको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल वाइब्रेशन वहां पर अच्छे नहीं हुए तो फिर वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके लिए कुछ मीटर आते हैं, मीटर से चेक करते हैं, सेंसर से चेक करते हैं कि उस ब्यूटी पार्लर में जहां पर काम किया जाएगा वहां पर उसके आसपास वाइब्रेशंस कैसे हैं, जहां पर कस्टमर आके बैठेंगे वहां कैसे वाइब्रेशंस हैं, जहां पर उनको वेट करनी है वहां कैसे वाइब्रेशंस हैं, और जहां पर उनको सीट पर बैठ के अपना करवाना है, जहां प्रोसेस होना है, वहां पर जो है वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो सब पॉजिटिव होने बहुत जरूरी है साथियों। तो इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ब्यूटी पार्लर बनाया, चलना शुरू हो गया, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद में एकदम से वो धीरे धीरे डाउन होते होते बिल्कुल खत्म हो गया, बैठ गया नीचे। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो जाते हैं। जैसे आपने अपने ब्यूटी पार्लर में कोई चीज गलत ठिकाने पर रख दी, जिसकी जगह या जिसकी दिशा वो नहीं थी जहां रखनी चाहिए। जैसे मेटल्स, जैसे सीजर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और भी चीजें होती हैं जो कि मेकअप के लिए, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो उसको जो है सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। उसके डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए कहां रखी हुई है, कहां पर सेट कराया था वास्तु कंसल्टेंट ने, वहीं पर रहनी चाहिए। इसके साथ ये ध्यान रखें कि जो लोग आपके पास बाहर से आते हैं, कस्टमर्स बन के आते हैं, वो जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने साथ में कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी लेकर के साथ में आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी खास क्लाइंट के आने के बाद में सेल डाउन हो जाती है। अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि हाँ दो दिन चार दिन काम बिल्कुल ठीक चलता है, जब कोई पर्टिकुलर एक क्लाइंट आपके पास आता है और उसके बाद में आपकी सेल पर असर पड़ता है नेगेटिव, इसका मतलब वो जो क्लाइंट आता है बार बार अपने साथ कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस लेकर के आता है, या वहीं पर आने के बाद में नेगेटिव वाइब्रेशंस एनर्जेट वो जो है निकलने शुरू कर देता है, वो वहीं पर जनरेट करने शुरू कर देता है, मुंह से तारीफ करता है आपकी, बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर है, आपकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन मन ही मन वो प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है, तो ऐसा भी होता है। इसके लिए हम बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्बर्स, नेगेटिविटी एब्जॉर्बर्स होते हैं। इसके लिए बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि सी सॉल्ट यूज करवाते हैं और भी चीजें कराते हैं, लेकिन सही समय पर सही जगह पर इन चीजों का यूज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर में जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहली फीलिंग कैसी होती है, मॉर्निंग आवर्स में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, यह ध्यान रखें। और जो काउंटर बनाते हैं उस काउंटर का जो ऊपर का पत्थर होता है जिस पर आप प्रोसेस करते हैं, उस पत्थर को कभी भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, काले रंग का पत्थर कभी यूज नहीं करना चाहिए। फिर आता है वहां पर सिंक, जहां पर के या जिसको वॉश बेसिन कहते हैं, सिंक भी कहते हैं हम लोग, जहां पर के हैंड वॉश करना या जहां से वाटर सोर्स आपने यूज करना है, उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में उसको नहीं होना चाहिए। उसकी पोस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? सबसे अच्छी होती है कि नॉर्थ के ऊपर उसके टैप्स हो, नॉर्थ वेस्ट में लोकेट करें, और उसमें जो है जो वाटर के लिए जो पॉइंट आपने बना रखे हैं उनका वाटर जो है अपसाइड जाने वाला नहीं, डाउन आने वाला हो, कहीं पर छींटे मारने वाला ना हो, और उसका जो टैप है वो कभी टप टप ना करता रहे, कभी लीक ना करता रहे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉलपेपर आजकल ब्यूटी पार्लर में बहुत लोग यूज करते हैं, कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है, वॉलपेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्लास्टिक मैट यूज करते हैं तो बहुत बार वहां पर सफोकेटेड एनर्जी पैदा हो जाती है। लेकिन आपके ब्यूटी पार्लर में सबसे पहले कोशिश करें, बनाने से पहले ही किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं। मैं जाता रहता हूं, बहुत से ब्यूटी पार्लर जाता रहता हूं बनवाने के लिए, और बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन अगर आप पहले बना चुके हैं, आपके ब्यूटी पार्लर पहले बन गया है, और आप बने बनाए ब्यूटी पार्लर के ऊपर कुछ काम कराना चाहते हैं या वास्तु एडवाइस देना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे बुला सकते हैं। मैं साइट पर आके आपको पूरा गाइड करूंगा। मेरे पास बहुत सारे सेंसर होते हैं, स्कैनर होते हैं, मीटर होते हैं मेरे पास, जिनसे कि हमें हर तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस का पता चलता है। और ये सब पता चलने के बाद में फिर आपको गाइड करते हैं कि आपके ब्यूटी पार्लर में क्या चीज गलत है, क्या ठीक है, किसको हटा के कहां करना है, तोड़फोड़ नहीं करनी, तंत्र मंत्र नहीं करने है। आपने मुझसे कोई सामान जो है वास्तु करेक्शन के नाम पर मुझसे कोई या किसी और कंसल्टेंट से कोई सामान परचेज नहीं करना। आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, ये जो सामान वास्तु कंसल्टेंट बेचते हैं
ये सिर्फ एक आपको ठीक है, वो अपना वास्तु ठीक कर लेते हैं, पैसे आपसे ले लेते हैं, लेकिन वो चीजें काम नहीं करती। साइंटिफिक वास्तु में बिलीव करिए हमेशा, कभी भी जो है सुपरस्टिशियस वास्तु में बिलीव नहीं करना चाहिए। यही मेरी आपको एडवाइस है, यही मेरी सलाह है। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं। हर टॉपिक पर काम करता हूं मैं, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। जुड़े रहिए आप मेरे YouTube पर, मेरे वीडियोस देखते रहिए, और मेरा फोन नंबर 9811656700 है। मेरी वेबसाइट www.vastu-india.com ये है, और वेबसाइट्स भी हैं। अगर आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज टाइप करते हैं इंटरनेट पर, तभी मैं आपको मेरे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है, ऐसे वीडियोस मेरे और भी हैं, आप देखते रहिए उनको, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इसके बारे में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।